जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जबकि बाकी पार्टी को इजाजत भी दी जाती है उनके लिए टाइम की कोई पाबंदी। हम तो ये कहते हैं सबको इजाजत मिलनी चाहिए, जैसे हमारे दौर हुकूमत में लॉन्ग मार्च की भी इजाजत थी, जलसों की भी इजाजत थी, मुस्लिम की जलसियों की भी इजाजत थी। मैं सिर्फ आवाम को यहाँ ये कहने आई हूँ कि हमारे लीडर का पैगाम है, हमारे लीडर का ये पैगाम है कि अब स्ट्रीट मूवमेंट के अलावा कोई और हल नहीं है, क्योंकि पहले हमला फिर हमला तहरीके इंसाफ पर हुआ, फिर हमला शायर उठा लिए, जजेस उठा लिए, हमारे सहाफियों को उठा लिया, अब हमला पाकिस्तान के आईन पर हो रहा है। तो मैं सिर्फ पाकिस्तानी अजूर आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि हम इस आईन के लिए हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कि जो आज आप ये देख रहे हैं ना, हम क्यों बार बार अदालत में पेश हो रहे हैं, हम क्यों बार बार अदालत के आगे कह रहे हैं कि आप हमें किसी से जगह लेकर दें, उसका एक ही वजह है। हम पिटिशन पे पिटिशन क्यों लेकर आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम आईन और कानून के दायरे के अंदर सारा कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अब आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर ये हकूमती दहशत गर्दी करेगी तो फिर उसका जवाब अवाम देगी, अवाम निकलेगी 21 को और दिखा देगी कि हम वो जिंदा कौम है जो 8 फरवरी को भी निकल दिया, 8 सितंबर को भी निकल दिया और 21 सितंबर को मीनारे पाकिस्तान हर तरफ पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम आईन की सरबुलंदी के लिए एक, इन बैंडेड चोरों के खिलाफ एक है, खान की रिहाई के लिए एक है। और ये दिन ब दिन ये जो हमारा हर बढ़ता हुआ कदम है, ये इस फॉर्म 47 की हकूमत को घर भेजेगी, क्योंकि अब ये जो फॉर्म 47 की हकूमत है, या आपने देखा है कि किस तरह की कटपुतली है, जिनको ये नहीं पता कि अमेंडमेंट का आईनी मुसवदा क्या है, जिनको ये नहीं पता कि उसमें तरमीम क्या की जा रही है, जो वहाँ पर इजलास तो बुला रहे हैं लेकिन किसी के इंतजार और किसी की थकती के लिए बैठे हुए। तो मुझे आवाम से पूछना है, क्या आपको जमूर का फैसला मंजूर होगा या आपको ये कटपुतली हकूमत मंजूर है? तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, खान की रिहाई के लिए, आय की बालादस्ती के लिए, अदलिया की आजादी के लिए, और ये जो शब खून मारा जा रहा है ना, वो जो नकाबपोश पार्लियामेंट पर हमला हुआ है, तो कल रात को सवदा आने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि ये पार्लियामेंट पर हमला नहीं था, ये अदलिया पर हमला था। हमारे वकला तैयार है, हमारी खवातीन तैयार है, हमारे नौजवान तैयार है। मैं सिर्फ इतना बता दूँ, अब अगर कोई ऐसा आईनी मुसवदा पास कराने की कोशिश की गई तो हम फिर खान के इशारे का इंतजार नहीं करेंगे, हम निकल पड़ेंगे, क्योंकि मुल्क की सरबुलंदी, मुल्क का वकार, आईन की बालादस्ती हमें सबसे आगे है। बात जब तक हम तक की तो खैर थी, लेकिन अब बात इस पाकिस्तान की सलामती, अदलिया की सलामती पर आ गई है, तो हमें से कोई घर बैठने को तैयार नहीं।